जब हम हॉस्पिटल में या फिर कोई भी हेल्थ केयर सेटिंग में वर्क करते हैं तो हमारे हैंड्स पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म इन्फेक्शन को स्प्रेड करते हैं। ये इन्फेक्शन हेल्थ केयर वर्कर्स, पेशेंट और इन्वायरमेंट के बीच में स्प्रेड होता रहता है, ट्रांसमिट होता रहता है। यही इन्फेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बनता है, जो पेशेंट्स किसी और इलनेस के कारण हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं लेकिन उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन को डिज़ाइन किया है। ये जो 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन है, ये हमें बताती हैं कि कौन से 5 सिचुएशंस हैं जिसमें हमने अपने हैंड्स को, स्पेशली जो हेल्थ केयर स्टाफ हैं उन्होंने अपने हैंड्स को क्लीन करना है, वॉश करना है। फर्स्ट मोमेंट है बिफोर टचिंग अ पेशेंट। हमने पेशेंट को टच करने से पहले हैंड्स को क्लीन करना है, वॉश करना है। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि हम पेशेंट को जर्म्स से बचा रहे हैं, उसको इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। सेकेंड इज बिफोर क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर्स। जब भी हमने कोई भी क्लीन या फिर एसेप्टिक प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है तो हमने अपने हैंड्स को वॉश करना है या फिर क्लीन करना है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम एसेप्टिक प्रोसीजर या फिर कोई भी क्लीन प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो हम पेशेंट को, जो हमारे हैंड्स पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो पेशेंट की बॉडी में एंटर ना हो जाए, इसलिए हम पेशेंट को जर्म से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। थर्ड इज आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। जैसे ही हम पेशेंट के किसी बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आते हैं, इवन ग्लव्स रिमूव करने के बाद भी हमने अपने हैंड्स को क्लीन करना है, वॉश करना है। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि हम अपने आप को प्लस जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर इन्वायरमेंट है, उसको पेशेंट के जर्म से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ इज़ आफ्टर टचिंग अ पेशेंट। जैसे ही हम पेशेंट को टच किया है उसके बाद हमने अपने हैंड्स को वॉश करना है, क्लीन करना है। क्यों? क्योंकि हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को, हेल्थ केयर इन्वायरमेंट को पेशेंट के हार्मफुल जर्म से प्रोटेक्ट करना है। फिफ्थ एंड लास्ट इज आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स। पेशेंट के सराउंडिंग्स मीन्स पेशेंट का जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर फर्नीचर को अगर हमने पेशेंट साइड पर टच किया है और इवन आफ्टर लीविंग द पेशेंट, पेशेंट के रूम से निकलने के बाद भी अगर हमने पेशेंट को टच भी नहीं किया लेकिन पेशेंट के सराउंडिंग को टच किया है तो हमने हैंड्स को वॉश करना है। पेशेंट के रूम को निकलने के बाद भी हमने हैंड्स को वॉश करना है, क्लीन करना है। इम्पॉर्टेंस इज सेम, हेल्थ केयर वर्कर्स को, हेल्थ केयर एनवायरनमेंट को हमने पेशेंट के हार्मफुल जर्म से प्रोटेक्ट करना है। So if you understood this video, then please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.